हेलो फ्रेंड, मैं राजेंद्र पर आप देख रहे हैं अपना मन चैनल राजेंद्र कुमार लाइव। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि क्या जियो फोन में एंड्रॉयड ऐप चल सकता है, यानी फेसबुक मैसेंजर ऐप चल सकता है। तो इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा चलेगा या नहीं, और कैसे चलेगा, और क्यों चलेगा, और कैसे चलेगा। तो सारा वीडियो इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करना, तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नेट ऑन कर लेना है। नेट ऑन करने के बाद उसमें आपको टैप कर देना है, पहले नेट ऑन कर लेना। नेट ऑन करने के बाद आपको अपना अपना फेसबुक आईडी नहीं बनाया है तो फेसबुक आईडी बना लीजिए। फेसबुक आईडी बना लीजिएगा तभी आपको मैसेंजर ऐप यूज करने को मिलेगा, और आप उसमें मैसेंजर ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियो भी सब शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू अकाउंट, आप अकाउंट नहीं बनाए हैं फेसबुक के तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर अथी करना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट नाम, पासपोर्ट मोबाइल नंबर ये सारा डालने के बाद भाई एक OTP आएगा, उसे डाल दीजिए। OTP डालने के बाद आपका फेसबुक में लॉगिन हो जाएंगे, और फेसबुक में आप फिर से पहले से कोई आईडी बनाए हुए हैं तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा, उस पर आपको एक मैसेंजर का टिक लगा होगा। तीसरे नंबर पर आपको मैसेंजर का एक एप्लीकेशन जैसा एकदम मेन्यू दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, और नीचे आपको राइट योर लिखे उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ भी लिख के सेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों और मित्रों को, और उसमें आप अच्छा अच्छा चीज़ लिख के, यानी कि आप इमोजी भी भेज सकते हैं, बहुत सारा चीज़ भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एकदम बेस्ट वीडियो लगा होगा। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना। और आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपको अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो मुझे वीडियो चाहिए तो चैनल करना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज का वीडियो देखने के लिए।